प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर के पहले वीडियो में हमने आपका सिलेबस बताया था कि कितने यूनिट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। उसमें जो सबसे पहली यूनिट है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में क्या पढ़ाई करते हैं, मैकेनिक्स में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किए हैं, तो वो आपको बता दिया था। दूसरे पार्ट में हमने आपको एक पीडीएफ भेजा था, उसमें जनरल इंट्रोडक्शन कह लीजिए, जिसको आप चैप्टर वन कह सकते हो कि फिजिकल वर्ड। तो जो हमने आपको पीडीएफ भेजा था उसको पहला चैप्टर फिजिकल वर्ड हेडिंग डाल, पहला चैप्टर फिजिकल वर्ड डालकर वो जितना पीडीएफ भेजा था अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो उसमें जनरल सी बातें थी, छोटी छोटी बातें थी, इसलिए हमने उसका नोट भेज दिया था, उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। वो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ड। अब हम आज दूसरा चैप्टर आपको स्टार्ट करते हैं, और दूसरे चैप्टर में जो कुछ भी बताया जाएगा वो पूरी फिजिक्स के हर चैप्टर में उसका यूज है, चाहे फर्स्ट ईयर का कोई चैप्टर हो या सेकेंड ईयर का कोई चैप्टर हो। जितना भी चैप्टर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, हर चैप्टर में इस चैप्टर का यूज है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत कायदे से पढ़िए, छूटेगा तो हर चैप्टर में प्रॉब्लम होगी आपको, और एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हर साल इसका हर कंपटीशन में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, इसलिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो कॉपी पर आप चैप्टर टू नोट कर लेंगे, चैप्टर नंबर टू। चैप्टर का नाम लिख लीजिए, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन ये आपका सेकंड चैप्टर है, और हमने आपको बताया, फिर याद कर लीजिए, ये यूनिट और डायमेंशन चैप्टर जो आपका है, या फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के फिजिक्स में जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे, हर चैप्टर में इसकी जरूरत लगेगी, ठीक है ना। इस चैप्टर में, यूनिट और डायमेंशन चैप्टर में, हम लोग पहले छोटी छोटी कुछ चीजें पढ़ लें, फिर उसके बाद चैप्टर की मेन चीज पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इस चैप्टर की छोटी छोटी चीज में जैसे हम लोग पढ़े, सबसे पहले पढ़ेंगे क्वांटिटी क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स क्या है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, उसके बाद तब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन, और डायमेंशन के बाद तब पढ़ा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज। ये आपका जब चैप्टर का रिव्यू है, इतने हेडिंग के अंदर ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये आपको कॉपी पर नहीं लिखना है, या लिख भी सकते हो, तो इतनी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट का क्लासिफिकेशन, डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटी, ये कायदे से डिटेल पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग आप डाल लें कि क्वांटिटी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि क्वांटिटी क्या है, इसका डेफिनेशन एग्जांपल समझा जाए। तो सबसे पहली हेडिंग इस चैप्टर की डाल दीजिए क्वांटिटी। ये आप लोअर क्लास में सुने भी हो, एक बार रिवाइज भी कर लें। आपसे कोई पूछे कि क्वांटिटी किसे कहते हैं,
तो सीधा सा डेफिनेशन बता दीजिए कि किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज जिनका मेजरमेंट संभव है, जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है, जिनका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी को, उन्हीं प्रॉपर्टीज को, उन्हीं गुण को हम क्वांटिटीज कहते हैं। फिर एक बार सुनिए, किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट संभव है, उसी को क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, अब पेन में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पेन की लेंथ, ब्रेथ, रेडियस, डायमीटर, टेम्परेचर, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया, ये सब कुछ जो हमसे मेजर हो सकता है वो सब क्वांटिटीज में आएगा। और किसी सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनका हम मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, उन्हें क्वांटिटी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा। जैसे इस पेन का कलर, पेन की शाइनिंग, तो पेन में लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, थिकनेस भी है, रेडियस भी है, डायमीटर भी है, मास भी है, डेंसिटी भी है, वॉल्यूम भी है, वेट भी है, टेम्परेचर भी है। तो ये जितनी चीज अभी इसकी प्रॉपर्टी हमने बताया, चूंकि उन सबका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, इसलिए ये सारी क्वांटिटी के अंतर्गत आएंगी। लेकिन इस पेन में कलर भी है और शाइनिंग भी है, ये भी दोनों प्रॉपर्टी हैं पेन की, लेकिन चूंकि कलर और शाइनिंग का मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए कलर और शाइनिंग को क्वांटिटी का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात, किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज जिनका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, उन्हीं को क्वांटिटी कहते हैं। याद रखना, जिसका भी मेजरमेंट आपसे संभव है, आप कर सके, वही क्वांटिटी है। तो डेफिनेशन ये हो जाएगा, सच प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस विच कैन बी मेजर्ड कॉल्ड क्वांटिटीज। किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिनका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, उन्हीं को हम क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, तो चूंकि लेंथ मेजर कर सकते हैं इसलिए लेंथ क्वांटिटी हो गई। हम वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, एरिया मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी मेजर कर सकते हैं, किसी वायर का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ये जितने भी ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, उन्हीं को हम क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा मैंने लिख दिया, बहुत सारा नहीं लिखा। बस सीधा सा आपके दिमाग में एक बात बन जाए कि कभी भी आपसे कोई पूछे कि भाई क्वांटिटी क्या है, तो आप सीधा सा दिमाग में सोचिए कि जिनका भी मेजरमेंट हम कर सकते हैं वो सब क्वांटिटी। तो जैसे कभी भी किसी चीज़ के लिए कोई पूछे भाई बताओ वेट क्वांटिटी है कि नहीं, फोर्स क्वांटिटी है कि नहीं, एसिलेशन क्वांटिटी है कि नहीं, डिस्टेंस क्वांटिटी है कि नहीं, तो जब भी आपसे किसी के बारे में पूछा जाए कि बताइए क्वांटिटी है कि नहीं, तो आप सीधा सा सोचिए कि जो पूछा गया क्या उसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यदि आप उसका मेजरमेंट कर सकते हो तो कह दीजिए वो क्वांटिटी है, और यदि जो पूछा गया उसका मेजरमेंट संभव नहीं है, कह दीजिए ये क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो क्वांटिटी का एग्जाम्पल लिखना हो, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं, उनमें से कुछ मैंने आपको लिख दिया। अब इस चैप्टर में दूसरी एक हेडिंग आती है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो दूसरी हेडिंग पड़ जाएगी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी का यदि आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप कई तरह से लिख सकते हो।
जैसे फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सीधा सा डेफिनेशन एक तो यही है कि वे क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से करते हैं कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से हो, फिजिक्स वालों ने जो मशीन बनाई है उन मशीनों से जिन जिन क्वांटिटीज का मेजरमेंट हो सकता है उन्हीं को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे घड़ी एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से हम टाइम मेजर करते हैं, तो टाइम फिजिकल क्वांटिटी हो गई क्योंकि टाइम का मेजरमेंट हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट क्लॉक से करते हैं। लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई क्योंकि उसका मेजरमेंट मीटर स्केल से करते हैं जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है। रेजिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि उसका मेजरमेंट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट मीटर ब्रिज से होता है, ठीक है ना। तो जितनी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका मेजरमेंट हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से करते हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। या दूसरा भी डेफिनेशन आप दे सकते हो कि वे क्वांटिटीज जिनके हेल्प से हम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनके हेल्प से फिजिक्स के प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन होते हैं, उन क्वांटिटीज को भी हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन दे दीजिए, सच क्वांटिटीज या दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाई फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। वे क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए फिजिकल क्वांटिटीज का आप एग्जाम्पल दे दें, टाइम, क्योंकि टाइम का मेजरमेंट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से ही होता है, घड़ी से होता है और घड़ी एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो टाइम को मेजर करती है, इसलिए टाइम फिजिकल क्वांटिटी हो गई। मास, करेंट, डिस्टेंस, एरिया, टेम्परेचर एटसेट्रा। टेम्परेचर का मेजरमेंट थर्मामीटर से करते हैं जो एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए टेम्परेचर भी फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। तो बड़ा सीधा सा बात है कि जिन क्वांटिटीज का मेजरमेंट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से किया जा सके, भौतिक यंत्रों से किया जा सके, उन सभी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। लेकिन यहां पर एक बात समझने की जरूरत है, ये कई बार पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में और आपको जानना भी चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया कि ऐसी जो भी क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं उन्हीं को फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे, और जिनका मेजरमेंट हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर सकते उनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे, यही बताया हूं। लेकिन यहां पर एक बात याद रखना कि पोटेंशियल एंड एंट्रोपी, ये आगे पढ़ेंगे आप, पोटेंशियल तो पढ़े ही हो हाई स्कूल में, एंट्रोपी भी आगे पढ़ेंगे। पोटेंशियल एंड एंट्रोपी आर टू सच फिजिकल क्वांटिटीज
विच कैन नॉट बी मेजर्ड। पोटेंशियल और एंट्रापी दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको क्वांटिटी का दर्जा मिला हुआ है लेकिन उनका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि उन क्वांटिटीज के नाम बताओ जिनका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते, तो दो क्वांटिटीज हैं पोटेंशियल और एक एंट्रापी। इनका मेजरमेंट हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर सकते, फिर भी इन्हें क्वांटिटी का दर्जा प्राप्त है। यही दो याद रखना एडिशनल। हाँ, एक चीज है, द डिफरेंस इन पोटेंशियल, द डिफरेंस इन पोटेंशियल एंड चेंज इन एंट्रोपी कैन बी मेजर्ड। ये सही है कि पोटेंशियल और एंट्रोपी दो का मेजरमेंट किसी भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं हो सकता, फिर भी उन्हें फिजिकल क्वांटिटी का दर्जा प्राप्त है, ये याद रखिएगा। हाँ, एक बात है, पोटेंशियल तो मेजर नहीं हो सकता, लेकिन पोटेंशियल में डिफरेंस मेजर हो सकता है। पोटेंशियल तो मेजर नहीं हो सकता, लेकिन पोटेंशियल में डिफरेंस मेजर हो सकता। एंट्रोपी मेजर नहीं हो सकती, लेकिन चेंज इन एंट्रोपी का मेजरमेंट किया जा सकता है। तो ये जरूर है कि इन दोनों का मेजरमेंट हम नहीं कर सकते, लेकिन इनमें होने वाले चेंज या इसमें होने वाला डिफरेंस ये मेजर हो सकता है, ठीक है ना। तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जिनको फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी का दर्जा प्राप्त ही नहीं होगा। लेकिन दो छोड़कर पोटेंशियल और एंट्रोपी, ये फिजिकल क्वांटिटी तो हैं, लेकिन इनका मेजरमेंट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं हो सकता। हाँ, इसमें डिफरेंस मेजर हो सकता है, इसमें चेंज मेजर हो सकता है। तो आपको दो चीज बता दिया हमने, क्वांटिटी क्या है और फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अब इस चैप्टर की तीसरी हेडिंग लिखिए यूनिट। अब देखा जाए यूनिट क्या है। अभी हमने आपको बताया है कि जिनका मेजरमेंट हो सकता है वो क्वांटिटी हैं, जिनका मेजरमेंट हो सकता है वो क्वांटिटी है, जिनका मेजरमेंट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब समझिए यूनिट क्या है। वे स्केल जिनके हेल्प से हम फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं उनको यूनिट कहते हैं, या इसको देसी भोजपुरी लैंग्वेज में समझ सकते हो कि जिनका मेजरमेंट हो वो क्वांटिटी और जिससे मेजरमेंट हो वो यूनिट। यानी हम जिसको मेजर करते हैं जिसको वो क्वांटिटी है, लेकिन जिससे मेजर करते हैं वो यूनिट है, ठीक है। जिसको मेजर किया वो क्वांटिटी और जिससे मेजर किया वो यूनिट। तो यूनिट का आप डेफिनेशन दे दीजिए, सीधा सीधा डेफिनेशन दे दीजिए, दोज स्केल्स फ्रॉम विच क्वांटिटीज आर मेजर्ड कॉल्ड यूनिट। यानी वे स्केल जिनके हेल्प से हम क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं उन्हीं स्केल्स को हम यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेंथ को मेजर करते हैं मीटर से, तो चूंकि लेंथ को मेजर किया इसलिए लेंथ क्वांटिटी हो गई, और मीटर से मेजर किया इसलिए मीटर यूनिट हो गई, ठीक है ना। तो जिसको मेजर किया वो क्वांटिटी और जिससे किया वो यूनिट।
तो चूंकि मीटर से मेजरमेंट होता है इसलिए मीटर एक यूनिट हो गई। एम्पियर से हम करंट को मेजर करते हैं इसलिए एम्पियर यूनिट हो गई। किलोग्राम से हम मास को मेजर करते हैं इसलिए किलोग्राम यूनिट हो गई। सेकंड से हम टाइम को मेजर करते हैं इसलिए सेकंड यूनिट हो गई। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं इसलिए ये भी यूनिट हो गई। ठीक है ना, तो जिससे मेजरमेंट क्वांटिटी का हो वो यूनिट है और जिसका मेजरमेंट हो वो क्वांटिटी है। तो चूंकि मीटर से मेजर होता है, एम्पियर से करंट मेजर होती है, किलोग्राम से मास मेजर होता है, सेकंड से टाइम मेजर होता है, तो जिससे मेजरमेंट हो वो यूनिट और जिसको मेजरमेंट किया जाए यानी जिसको हम मेजर करते हैं वो क्वांटिटी और जिससे मेजर करते हैं वो यूनिट। ठीक है ना, तो ये दो चीज हो गई। अब यहां एक चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। एक बात क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट पढ़ने के पहले आप याद रखें कि जो भी साइंस पढ़ता है या जो साइंस नहीं भी पढ़ता है, हर व्यक्ति को अपने डेली लाइफ में यूनिट का ज्ञान और यूनिट का सही ज्ञान दोनों होना आवश्यक है। मैं केवल उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं कि जो साइंस पढ़ रहे हैं, इस दुनिया में जो लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं साइंस या पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं उनको भी यूनिट का ज्ञान और सही ज्ञान होना चाहिए। यदि यूनिट का ज्ञान है सही ज्ञान नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, और यदि यूनिट का ज्ञान ही नहीं है तो भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए यूनिट का ज्ञान नॉलेज और सही नॉलेज हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को होना चाहिए। जैसे हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से बताते हैं क्यों होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसको यूनिट का ज्ञान ही नहीं है, मान लीजिए यूनिट का ज्ञान ही नहीं है, आप दुकान पर गए मोबाइल का चिप खरीदने, तो दुकानदार ने पूछा कि किस क्षमता का चिप दूं। अब यदि आपको यूनिट का ज्ञान होता तो आप बोल देते 2 GB, 2 GB, 4 GB, 5 GB। आपको यूनिट का ज्ञान नहीं है इसलिए आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आप कैमरा खरीदने गए, उसने पूछा कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, तो आपको यूनिट मेगापिक्सल पता ही नहीं, आप कुछ बोल ही नहीं सकते। इसलिए जब भी आप कहीं कुछ परचेजिंग करने जाएं या डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब आपको यूनिट की सख्त जरूरत होगी, और यदि आप यूनिट का ज्ञान नहीं रखते हैं तो आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी। ठीक, ये तो एग्जांपल दिया उन लोगों का जिन्हें यूनिट का ज्ञान नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे को यूनिट का नॉलेज है लेकिन उल्टा सीधा नॉलेज है, बहुत सही नॉलेज नहीं है, तो वो भी बुरे फंसेगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि आप किसी दुकान पर आलू खरीदने गए और आपने कह दिया हमको 2 डिग्री सेल्सियस आलू दो, तो वहां पर आप सेल्सियस यूनिट तो बोल रहे हो लेकिन सही यूनिट नहीं बोल रहे, इसलिए दुकानदार आपको मेंटली डिस्टर्ब समझेगा। आप कपड़ा खरीदने गए, आपने कहा 3 लीटर कपड़ा दीजिए। आप कोई सामान खरीदने गए, आपने कहा कि 7 मिलीसेकंड हमको सामान दीजिए, तो यदि यूनिट बोल रहे हो और गलत बोल रहे हो तो भी आपको दिक्कत होगी। इसलिए हर स्टूडेंट को, हर व्यक्ति को यूनिट का ज्ञान और सही ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है।
अब यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तो मान लीजिए अभी हमने बताया कि हर बच्चे को यूनिट का ज्ञान और सही ज्ञान होना आवश्यक है। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि सर सही कह रहे हैं, हमको यूनिट का नॉलेज और सही नॉलेज होना चाहिए। तो आपने ठान लिया मन में कि जब सर कह रहे हैं कि हमको यूनिट का नॉलेज और सही नॉलेज होना चाहिए, तो आपने मन में ठान लिया कि हम चलें सारे यूनिट को रट मारें। तो आप जब घर गए और सोचा आपने कि भाई सारी यूनिट को रट मारें, तो पता लगा कि दुनिया में लाखों यूनिट हैं। तो जब दुनिया में यूनिट की संख्या लाखों है, तो उसको रटना संभव नहीं है, उसका ज्ञान संभव नहीं है और सही ज्ञान भी संभव नहीं है। और जब यूनिट का ज्ञान और सही ज्ञान दोनों संभव नहीं होगा, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो यह एक समस्या थी कभी कि यूनिट की संख्या लाखों में है, याद करना आसान नहीं, याद किए बिना काम नहीं चलेगा। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, उस पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।